राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर सारथी फाउंडेशन समिति के विमल कुंज छोटी मुखाने स्थित कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मिष्ठान वितरित किया गया। इसी अभियान के तहत सारथी थैला भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में जुटे तमाम लोगों ने इस दौरान दोनों महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पर्यावरण प्रदूषण को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्प लिया गया। इस दौरान संस्था सदस्य प्रदीप सबरवाल को पंजाबी महासभा का अध्यक्ष बनने पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद ने सभी को महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बाकी देशवासियों को बहुत बधाई। गांधी जी ने जिस तरह से देश को विकास के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश के एक अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी है, उसे आज हम सब सारथी फाउंडेशन जीवित रख रहा है। और आज सबसे बड़ी लड़ाई है वातावरण को शुद्ध करना, पन्नी को हटाना, पोल्यूशन को ख़त्म करना, जो यहाँ वहाँ गंदगी है उसको ख़त्म करना। उसके लिए सारथी फाउंडेशन हमेशा मुहिम चला रहा है और ये उन्हीं का, गांधी जी का ही आशीर्वाद था कि अपने कार्य को किस तरह करना चाहिए और किस तरह सफलता प्राप्त होगी, तो उसी के दिखाए हुए रास्तों पर सारथी फाउंडेशन आगे बढ़ रहा है। वहीं संस्था के संस्थापक श्री नवीन पंत ने कहा कि हमें बापू के सिखाए मार्ग पर शास्त्री जी की तरह ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहना चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की जो मुहिम सारथी संस्था द्वारा चलाई गई है, उसमें अधिक से अधिक जन भागीदारी को लेकर पॉलिथीन मुक्त उत्तराखंड के अभियान को साकार करना है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं नवीन पंत। ऐसा जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी को विदित है कि लगातार एक मुहिम के तहत जो मुहिम चल रही है, चाहे वो सरकारी मशीनरी हो या हमारा न्यायपालिका हो, सबके द्वारा इस बात को कहा जा रहा है कि प्रदूषण मुक्त रखने के लिए पॉलीथीन को हटाना बहुत ज़रूरी, जीवन को बचाना है तो पॉलीथीन को हटाना है। इसी मुहिम को लेते हुए सारथी फाउंडेशन अपने प्रथम वर्षगांठ 4 सितंबर 2022 से लगातार पॉलीथीन के खिलाफ एक अभियान के रूप में, उसके विकल्प के रूप में कपड़े का झोला, जो आप ये कपड़े का झोला देख रहे हैं, ये लगातार संस्था के द्वारा निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। और इस मुहिम को न समाप्त करते हुए एक हमने लगातार इस मुहिम को जारी रखा है। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर भी संस्था के द्वारा आज झोला वितरण किया जा रहा है और पुष्पांजलि की गई है। मैं पुनः आम जनमानस से निवेदन करता हूं और मांग करता हूं, इस बात को अपने विचार रखते हुए कहना चाहता हूं कि हम सभी को पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना चाहिए, कपड़े के बैग को इस्तेमाल करना चाहिए और लगातार जीवन को बचाना है तो पॉलीथीन को हटाना है के नारे को, तभी ये नारा सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।